हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम MPBSC मेंस के पेपर थर्ड का एक क्वेश्चन पढ़ेंगे जो 15 मार्क का है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आंसर कैसे फ्रेम करना है, इसको हम 15 मार्क में कैसे लिखेंगे, क्या क्या हम इसमें ऐड करें, क्या नवीन डाटा ऐड करें कि हमको 15 में से ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा नंबर मिले, तो हम ऐसा क्या करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या कैसे क्या हम लिख सकते हैं। अगर पहली बार मेरे चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ मैंने ज्योग्राफी की 3 मार्कर सीरीज़ का आप लोग को बताया था कि 300 पेज की थ्योरी 300 क्वेश्चंस की एक सीरीज़ है जो 90 रुपीज़ की है और हैंड रिटन है उसका, जो आप लोग मुझसे बोले थे व्हाट्सएप पर कि तैयार हो गए हैं, तो आज रात तक मैं इसको पूरा तैयार कर दूँगी। और उसका जो कैसा पेपर है, कैसा मैंने लिखा है, इसका डेमो मैं अपने लास्ट वीडियो उन्हीं से बना रही हूँ, तो वो आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आज का। भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान चुनौतियों का या प्रवृत्तियों का उल्लेख करो। तो 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था की नवीन प्रवृत्तियों को भी देखा गया है जिन्हें निम्न प्रकार समझा जा सकता है। वर्तमान प्रवृत्तियों में नंबर 1 है सामाजिक आर्थिक असमानता को कम करना, शिक्षा, गरीबी, स्वास्थ्य आदि बड़ी समस्याओं को नियंत्रित करना, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, जनोन्मुखी और विकासोन्मुखी नीतियों का निर्माण करना, क्षेत्रीय विषमताओं को कम करना। नेक्स्ट है आर्थिक समृद्धि और विकास, प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना, लघु और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, भारतीय मुद्रा को मजबूत बनाना, भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक स्तर पर मजबूत बनाना। तो ये हमारा इसके आर्थिक और समृद्धि विकास थे। अब हम पढ़ेंगे इसके राजनीतिक क्या हैं। तो राजनीतिक में क्या हो जाएगा, भूमि सुधार अधिनियम, श्रम उपलब्धता, अंतः क्षेत्रीय अंतर राज्य की विषमता को दूर करना, उचित नीति निर्माण, क्रियान्वयन की सुनिश्चितता और कल्याणकारी राज्य की स्थापना का लक्ष्य। अब है भारत और बाह्य अर्थव्यवस्था वैश्विक स्तर पर क्या उसके मुद्दे हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों WTO IMF में आर्थिक मदद को सुनिश्चित करना, वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भागीदारी को बढ़ाना एंड FII को अधिक आकर्षित करना। पर्यावरणीय में क्या इसके लिए हो सकते हैं अर्थव्यवस्था में प्रवृत्तियाँ, समावेशीय और धारणीय विकास की सुनिश्चितता, पर्यावरण संरक्षण और विकास का समान रूप से महत्व समझना व संरक्षण करना। अब है उसके उपाय, सबसे पहला है सामाजिक उपाय। सबसे पहले जनांकिकी परिवेक्ष में सामाजिक क्या उपाय हो सकता है, जन जागरूकता, समन्वय, जन सहभागिता, सहयोग, जवाबदेहिता, समरसता। फिर है राजनीतिक में, राजनीतिक नीतिगत में क्या होगा, अगर हमको बेरोजगारी दूर करना है अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कैसे कर सकते हैं, कौशल विकास करें, श्रमेव जयते, मेक इन इंडिया, ये हमने बेरोजगारी दूर करने के लिए प्रयास किए हैं। अब इस समावेशन हेतु हमने कौन कौन से प्रयास किए हैं, जनधन योजना, मृदा स्टार्टअप स्टैंडअप, स्वाभिमान योजना। स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए हमने क्या किया है, मिशन इंद्रधनुष, तपेदिक टीकाकरण 2020। आर्थिक और समृद्धि विकास के लिए हम क्या कर रहे हैं, सब्सिडी दे रहे हैं, PDS का क्रियान्वयन, दीनदयाल उपाध्याय योजना, अधोसंरचना विकास और आर्थिक स्वामित्व। आर्थिक स्वामित्व में स्थायित्व में हम क्या पढ़ेंगे, आयात में कमी, निर्यात में वृद्धि करना, गोल्ड मुद्रीकरण नीति, पेंशन, जीवन ज्योति बीमा योजना। पर्यावरणीय और धारणीय विकास में क्या हो जाएगा, स्वच्छ भारत अभियान, निर्मल आदर्श ग्राम, सांसद आदर्श ग्राम, अमृत मिशन, रूरल मिशन और ग्रीन इंडेक्स पर GDP एंड NGT का सुदृढ़ीकरण। अब हमारा दास में निष्कर्ष हो जाएगा, यदि सरकार की नीतियों का उचित निर्माण व क्रियान्वयन की सुनिश्चितता के साथ साथ मानवीय सहयोग की सुनिश्चितता भी हो जाए तो भारत को विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने में अधिक समय नहीं लगेगा। तो इस प्रकार से एक बार और पूरा देख लीजिए, एक बार कैसे हमने इंडेक्स किया है इसको देखिए। सबसे पहले क्या है, फिर विकास, फिर राजनीतिक कारण, वैश्विक कारक, पर्यावरण धारणीय विकास, फिर उपाय हैं ये क्या कर सकते हैं हम समावेशन के लिए, स्वास्थ्य शिक्षा के लिए, आर्थिक समृद्धि के लिए, पर्यावरण के लिए। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का क्वेश्चन। ऐसे ही और क्वेश्चन के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और
मैंने बताया आपको वो पीडीएफ ज्योग्राफी के 300 क्वेश्चन जो कि 90 रुपीज़ के वह तैयार हो जाएगी, जिस किसी को भी लेना है आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, ये मेरा नंबर है और यहीं पे आप मुझे बोल सकते हैं। तो आपको मैं व्हाट्सएप एमपीएससी मेंस का जो ग्रुप बना है उसमें जोड़ दूँगी, जहाँ पर आपको डेली पीडीएफ मिल जाएगा जो मेंस का मैं बनाती हूँ। आंसर फ्रेमिंग मेरा हैंड रिटन ही रहता है, जो उतना ही वर्ड्स में रहता है जितना हमको लिखना है। कैसे आंसरिंग फ्रेम आपको नोट्स की जो नोट्स मिलता है मार्केट में या बुक्स मिलती हैं, वो पूरा फ्रेमिंग किया हुआ नहीं रहता है, कभी ज़्यादा होता है कभी कम होता है। तो मेरे नोट्स में आपको पूरा टू द पॉइंट हर चीज़ मिलेगी, जितना पूछा है उतना ही लिखना, आपका टाइम बचेगा। तो आप यदि चाहें तो उसको परचेज कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।